न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक क्लास सिक्स्थ इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद रिटन बाय सरोजनी नायडू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सरोजनी नायडू ने ये पोयम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखी है। पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है और फिर उसका बहुत ही पोएटिक वे से आंसर दिया है। जैसे पहला पार्ट है, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट, तुम क्या बेच रहे हो। एक मर्चेंट, एक व्यापारी, एक सेलर के लिए बोला जाता है। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, जो तुम्हारा सामान है तुमने बहुत सुंदर तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है, रखा हुआ है, देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, पहले ज़माने में लोग पगड़ियाँ पहना करते थे, उसको टर्बन बोलते थे। टर्बन क्रिम्सन और सिल्वर कलर की। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक्स यानी कुर्ते जैसा होता है उसको पर्पल और ब्रोकेड जो है वो। मिरर विथ पैनल्स ऑफ एम्बर, द डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड। डैगर्स यानी एक शॉर्ट पॉइंटेड नाइफ होती है, एक छोटा सा चाकू होता है जिसके हैंडल पे बहुत ही सुंदर सा स्टोन लगा रहता है, जिसको बोलते हैं डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड। और मिरर विथ पैनल ऑफ एम्बर यानी मिरर्स जड़े हुए हैं उस पर एम्बर, अ हार्ड क्लियर येलोइश ब्राउन ऑब्जेक्ट या फिर ज्वेलरीज जैसे होता है जिसको एम्बर बोला जाता है, वो मिरर लगे हुए एम्बर टाइप की ज्वेलरी है। तो ये मर्चेंट से पूछ रही है कि आप क्या क्या बेच रहे हो, जो कि पगड़ी, ब्रोकेड, अलग अलग मिरर से जड़ी हुई ज्वेलरी और डैगर्स नाइफ है, एक छोटा सा चाकू है जिसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा स्टोन लगा है। जेड मीन्स अ काइंड ऑफ स्टोन। सेकंड पैराग्राफ में वो गोल्डस्मिथ से पूछ, सेकंड पैराग्राफ में वो एक वेंडर से पूछती है, वेंडर भी चीज़ों को बेचते हैं, व्हाट डू यू वे, वो वजन करके चीज़ों को बेचते हैं जैसे किराने पे बेचा जाता है वैसे। व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर, वेंडर तुम क्या बेच रहे हो। सेफ्रॉन, दालें, राइस, क्या तुम वजन करके किस किस चीज़ को बेच रहे हो, वो चीज़ों का नाम बोल रही है। सेफ्रॉन, लेंटिल्स यानी दालें, राइस, चावल। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मैडन, जो पीसते हैं चीज़ों को, चक्की में पीसा करते हैं, उनसे पूछ रही कि तुम क्या पीस रहे हो, क्या ग्राइंड कर रहे हो। सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी। हीना यानी मेहंदी और स्पाइसेस यानी मसाले। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर, ए पैडलर तुम रास्ते पे जो ऐसे चीज़ें लेके घूम घूम के बेचते हैं उनके लिए पैडलर्स बोला जाता है। पैडलर तुम क्या बेच रहे हो। चेसमैन, चेस की गोटियाँ या फिर आइवरी, उस टाइम पे गेम हुआ करती थी उसकी भी गोटियों को बेचा करते थे, तो क्या आइवरी की गोटियाँ यानी डाइस मतलब गोटियाँ और चेस की गोटियों को तुम बेच रहे हो। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ यानी सुनार, जो गोल्ड से चीज़ें बनाता है, तुम क्या बना रहे हो ओ सुनार। ब्रिस्टल एंकलेट्स एंड रिंग, ब्रिस्टल्स ब्रिस्टलेट्स मीन्स जो ब्रेसलेट पहने जाते हैं हाथों में वो, एंकलेट्स यानी पायल और रिंग यानी अंगूठी, क्या तुम ये सब बना रहे हो। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन या फिर कबूतर के लिए छोटी छोटी घंटियाँ बना रहे हो। द फ्रेल्स एज अ ड्रैगन्स फ्लाइज विंग या फिर ड्रैगन्स फ्लाई, जो ड्रैगन फ्लाई के विंग के लिए कुछ बना रहे हो। द गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर या फिर बेल्ट यानी सोने की बेल्ट, जो डांसर्स होते हैं जो घुंघरू जो पहन के डांस करते हैं उसको गर्डल्स जो गोल्ड के हैं, क्या वो बना रहे हो। या फिर स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबर्ड्स यानी म्यान जिसमें तलवारें रखी जाती है, जिसमें तलवार को म्यान में रखा जाता है, क्या तुम गोल्ड की वो राजाओं के लिए बना रहे हो। व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन, ए फ्रूट मैन तुम क्या कर रहे हो। सिट्रॉन यानी जैसे संतरे, लेमन, ऐसे जो फ्रूट होते हैं उसको सिट्रॉन बोला जाता है। सिट्रॉन, पोमाग्रेनेट एंड प्लम, इन फ्रूट्स को तुम बेच रहे हो।
व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन यानी गाना बजाने वाले, तुम क्या बजा रहे हो, सितार बजा रहे हो, सारंगी या ड्रम। व्हाट डू यू चैंट अ मैजिशियन, जादूगर तुम क्या कर रहे हो, स्पेल फॉर द ओरियन ओरियन टू कम, क्या तुम बहुत पुराने टाइम की चीज़ें या बहुत लंबे वक्त की कोई चीज़ जो आने वाली है वो सब बता रहे हो। व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल, तुम क्या बुन रही हो एक फ्लावर गर्ल, विथ टैसल्स ऑफ अजर एंड रेड, टैसल मतलब बंच ऑफ थ्रेड, लाइज एट द एंड एंड हंग फ्रॉम द कुशंस कर्टन्स क्लोथ्स एंड सब कर्टन या कुशन के किनारों पे ये जो बंच फूलों के एक डिज़ाइन लगाई जाती है उसको टैसल्स बोले जाते हैं। ऑफ एजर, एजर मतलब ब्राइट ब्लू कलर टाइप में और रेड कलर में, ब्राइट ब्लू और रेड कलर के टैसल्स यानी किनारे जो बुनते हैं जो पर्दों के और कुशंस के साइड्स में लगाए जाते हैं वो। द क्राउन फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइट ग्रूम, या फिर तुम एक ताज बना रही हो दुल्हन के लिए दूल्हे के लिए। चैपलेट्स ऑफ टू गार्लैंड्स इज बेड, चैपलेट्स यानी अ सर्कल ऑफ लीव्स आर द फ्लावर्स जो ऐसे सर पे गोल पहने जाते हैं वो, ऑफ इज बेड। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड, या फिर तुम बहुत बड़ी बड़ी शीट्स बना रही हो वाइट कलर के ब्लॉसम्स की उनको साथ में लगा के। टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, अगर कोई गुजर जाता है तो उसके ऊपर जो वाइट कलर के वो लगाए जाते हैं फूलों के जो पर्दे जैसे शीट जैसे बनाए जाते हैं, क्या तुम वो बोल रही हो। ये जो पोएम है ये सरोजनी नायडू जी ने हैदराबाद के बाज़ारों को डिस्क्राइब करते हुए बताई है। वो एक बहुत अच्छी पोइट्री थी, वो फ्रीडम फाइटर भी थी, वो एक पेट्रॉइट और फ्रीडम फाइटर थी। उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हमारे देश के सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ हैदराबाद को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जहाँ पे हर चीज़ कांच से जड़े हुए की पेन चीज़ें, चाकू, अलग अलग टाइप के स्टोन्स, फूल, पगड़ियाँ, कर्टन डेकोरेटेड, ये सब चीज़ें जो उन बाज़ारों में मिलती थी और मिलती हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है।